Yo puedo escuro, escuro, escuro. Soy un foco de la pandemia, sí, cada una foto. Menos sin de verdad. और देर क्या है? बस एक शक्ल भाई, ये वाला लाइए ना, ये वाला। वो तो बोल्ट कटो, उतला उतला बोल्ट कटो तुसी। ऐसा अंदर बैठाइए हाथ ना तो फिर उन तुसन। आई बार बाकी मालूम आ रहा। बाकी मंटा ताले इतना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स हम लोगों ने पार्किंग ब्रेक व्हील लोडर 478-5 की डिसमेंटल की है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ करना चाहता हूं। अच्छा, ये पार्किंग ब्रेक है, ठीक है व्यूअर्स। ये इसकी स्प्रिंग की होल्डिंग प्लेट है, यहां पे सारे स्प्रिंग फिट होते हैं, ठीक है। इसके तकरीबन 12 स्प्रिंग आते हैं, ठीक है। ये हाई टेंशन स्प्रिंग है, ये डबल स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग के साथ बेसिकली ये प्रेग जो होती है ना, अप्लाई होती है, एंगेज होती है। जिस वक्त हाइड्रोलिक का प्रेशर आता है तो ये डिसएंगेज हो जाती है, ठीक है। स्प्रिंग इस जो ब्रेक होती है उसको होल्ड करके रखते हैं, एंगेज करके रखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी होल्डिंग प्लेट है, होल्डिंग प्लेट के ऊपर चार बोल्ट, बेसिकली ये राउंड में सारे बोल्ट लगे होते हैं। जिस वक्त भी आपने डिसमेंटल करना है तो चार बोल्टों को उस वक्त आपने नहीं खोलना है, ठीक है ना। ये 17 के 19 के बोल्ट होंगे। यहाँ पे देखो, एक बोल्ट ये वाला है, एक ये वाला बोल्ट है, एक ये वाला बोल्ट है, ठीक है। ये आपने और ये वाला बोल्ट है। ये बोल्ट आप लोगों ने नहीं खोलना है। जिस वक्त भी आपने डिसमेंटल करना है प्लेट को, पार्किंग ब्रेक को, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये राउंड के बोल्ट खोल लेने, खोलने के बाद पार्किंग ब्रेक को नीचे लेकर आना है। नीचे लेने के बाद इसके लिए आपने ना पुलर बनाना है, जैसे लंबे बोल्ट बनाने, इसके अंदर आपने डाल लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर से इसको रिमूव करना है, नीचे से भी इसको आस्ते आस्ते लूज़ करते जाना। स्प्रिंग की टेंशन होती है, वो आस्ते आस्ते इसकी अपनी टेंशन ये रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, इसी तरह इसके दो तीन बोल्ट लगाओ, ये पुलर बोल्ट, तो उसके साथ आपने रिमूव करना, नहीं तो इसके ऊपर आपने जक लगा दो, जक लगाओ, किसी जगह में रखो, ऊपर से जक लगाओ, इसको ये वाले चार बोल्ट इसके रिमूव करो, फिर आस्ते आस्ते जक को आप रिलीज़ करो, ठीक है। जक को रिलीज़ करने के बाद स्प्रिंग की टेंशन आस्ते आस्ते रिलीज़ हो जाएगी, इसकी फोर्स ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एक ही मरतबा सारे राउंड के बोल्ट इसके खोल दोगे, स्प्रिंग की टेंशन की वजह से आपकी प्लेट भी डैमेज हो सकती है, और जो स्प्रिंग की फोर्स की वजह से आपको ना ऊपर ये प्लेट गिरेगी, आपका फेस, आपका बॉडी, वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो जिस जगह से हम लोगों ने ये डिसमेंटल किया है, तो वो भी मैं लोकेशन वगैरह आप लोगों को बताता हूँ शावल की। ऐसे ये शावल है WA 478-5, इसकी जो पार्किंग ब्रेक डिसमेंटल की है वो इधर से, इसकी जो प्रोपेलर शाफ्ट है, ठीक है। डिसमेंटल करते वक्त आपको प्रोपेलर शाफ्ट भी डिसमेंटल करनी है। इसके आगे फ्लेंच आएगा, फ्लेंच भी, और इसके आगे एक बोल्ट आएगा, ठीक है ना। शाफ्ट के अंदर फ्लेंच का जो बोल्ट लगा होगा वो भी डिसमेंटल करना है। इस एरिए से हम लोगों ने इसका जो ये इसकी लोकेशन होती है जहाँ पे ये संभल होती है, ये इसका गेयर है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसका और अच्छे से व्यू आ जाएगा, ये इसका गेयर है, ये गेयर उतर जाता है, स्लाइडिंग गेयर है, ठीक है ना, ये गेयर। चलो हम लोग उतार ही देते हैं। ये इसका गेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिस्क प्लेट है, यहाँ पे बैठी हुई डिस्क प्लेट जिस वक्त एंगेज होती है तो गेयर को पकड़ लेती है, गेयर पकड़ता है, गेयर का जो इंटरनल सप्लाई है ये शाफ्ट को नहीं घूमने देते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसका पार्किंग ब्रेक होल्ड हो जाती है, जिस वक्त जहाँ से डिस्क प्लेटों में गैप आ जाता है, डिसएंगेज हो जाती है, जो गेयर फ्री हो जाता है। गेयर फ्री होने से फिर आपका जो शाफ्ट है वो भी फ्री हो जाती है, ये इसी तरह काम करती है, फिर आगे ये मार्चिंग शुरू कर देता है शावल। अगर ये एंगेज रहेगी तो आपका जो शावल होगा वो मार्च नहीं करेगा। अगर आप जोर लगाओगे तो उसमें क्या होता है कि आपका गियर ख़राब होने के भी चांस होते हैं, और
हीट अप होने के ट्रांसमिशन के भी चांस होते हैं, ठीक है। कभी कभार इसकी डिस्क प्लेट थोड़ी वीक होती है तो एक्सीलेटर की मदद से ना ये शावल मार्च करता है, लेकिन उसमें ना पावर नहीं आएगी और ट्रांसमिशन हीट अप होगा। ओके व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोई आपके पास अच्छा नॉलेज है 470 का न्यू मॉडल 8-5, ठीक है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।